उसकी सुरक्षा पुलिस करे। इसमें मैं ऑनर को भी ऐड कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें इन सब चीज़ की गारंटी जो है वो कोर्ट्स है कि आप कुछ हो तो आप जाइए रिट फाइल कर दीजिए, तो गारंटी है। प्रोटेक्शन कौन करेगा डे टू डे बेसिस पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बेंगलोर में या जो है बनारस में या जो है कहीं और नहीं करेंगे। प्रोटेक्ट इन सब राइट्स को, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम पुलिस का है। स्टेट की पिछले 24 घंटे की इंसिडेंट्स की रिपोर्ट 6:30 बजे आ जाती है, अगर आप 6:30 बजे तक सो पाए तो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि 4:30 बजे कुछ और खबर आती है कि साहब ये हो गया वो हो गया। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि DGP इन अ सेंस एक एडवाइज़र होता है वो चीफ मिनिस्टर के लिए। तो ऐसे इंसिडेंट जिनका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन हो, राजनीतिक उसका पहलू हो, उन इंसिडेंट्स, वो इंसिडेंट अगर उस सूची में होते हैं तो आप समझिए कि आँख बिल्कुल खुल जाती है, नींद हवा हो जाती है। उस सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर करें ताकि वहाँ से जो भी एविडेंस संभव हो वो लिया जाए। पैरेलली पुलिस को ये करना था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है पुलिसिंग का, जो कि जो सक्सेसफुल ऑफिसर्स हैं वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सबसे ज़्यादा हल्ला पुलिस वाले ही करते हैं, पब्लिक नहीं करती है। जबकि पब्लिक भी होना नहीं ही और चाहिए, पॉलिटिक्स भी नहीं। हाँ पॉलिटिशियन तो नहीं करते हैं लेकिन पब्लिक नहीं करती है। पब्लिक अगर करेगी तो पॉलिटिशियन को तो करना ही पड़ेगा। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया प्रणय, ख्याति क्या हाल चाल है? बस मैं ठीक हूँ। हमने कई सारे एपिसोड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और हम पॉलिसी के बारे में इतनी सारी बातें करते रहते हैं, राइट? तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातें करते हैं, तो मुझे, मैं सोच रही थी कि जैसे कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो बहुत ही बेसिक राइट्स हमारे वो है, राइट? और एक संस्था है जिसका काम है कि वो तीन बेसिक राइट्स को एक्चुअली हमारे प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि अगर वो नहीं अगर कर पाते हैं तो हमारे बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं बनता एक तरीके से। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसके बारे में हम काफ़ी बार बातें तो करते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट से उस पर शायद, एटलीस्ट मैंने तो फिलहाल खुलियाबाजी में नहीं की है। तो पुलिसिंग पे क्यों ना आज और डिटेल में बातें की जाए? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हम लोगों ने एक आंतरिक सुरक्षा पे एपिसोड किया था देवेश कपूर और अमित आहूजा के साथ, लेकिन हम लोगों ने उसमें बहुत ही संक्षिप्त में बातें की थी पुलिसिंग के बारे में, लेकिन उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझाने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट है, हमारे साथ है मिस्टर जावेद अहमद। जावेद जी DGP थे उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले, और अभी एडजंक्ट डिस्टिंग्विश्ड फेलो है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला है मुझे तो पुलिसिंग और पुलिसिंग के अलग अलग पहलुओं के बारे में। और उन्होंने एक स्पेशल सीरीज़ भी किया है ऑल थिंग्स पॉलिसी में, पुलिस चौकी नाम से, जिसमें 24 एपिसोड में पुलिसिंग के अलग अलग पहलुओं को कवर किया गया है। तो मैं अपने सभी श्रोताओं से गुजारिश करूंगा कि वो ज़रूर सुने। लेकिन जावेद जी से हम लोगों ने पुलियाबाजी में बात नहीं की, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा उन्हें बुलाते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में जावेद जी। जी बहुत शुक्रिया प्रणव और ख्याति और सौरभ। पुलियाबाजी में आकर के मैं भी समझता हूँ कि कुछ पते की बात होगी, अड्डेबाजी की बात होगी, लेकिन कुछ ऐसी बात होगी जो कि लोगों को समझ आएगी, पसंद आएगी और उनके संदर्भ की होगी। ये अभी ख्याति बोल रही थी, बता रही थी कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बातें हम लोग करते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करेगा इसकी बात नहीं हो पाती है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है ये, जहाँ से आज का जो है डिस्कशन शुरू किया जा सकता हाँ, है। उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है जावेद जी, जैसे जब भी हमारे गेस्ट आते हैं तो कभी ऐसे डर नहीं लगता गेस्ट से, लेकिन पुलिस नाम से थोड़ा डर लगता है। तो डर लगना चाहिए पुलिस से कि नहीं लगना चाहिए, और लगना चाहिए तो कितना लगना चाहिए? यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको, नहीं, अच्छा सवाल है, अच्छा
अच्छा सवाल है। एक हमारे सीनियर हुआ करते थे राय साहब, बहुत मजेदार आदमी थे, पुअर चाप इज डेड नाउ। तो वो कहते थे कि लोग कहते हैं वे पुलिस अच्छे से बिहेव नहीं करती है, ये बताओ कि तुम घर में चौकीदारी के लिए कुत्ता रखते हो तो उसको चाहते हो कि भौंके या न भौंके? तो उसका सवाल हाँ या ना में से देना बड़ा मुश्किल है। तो उसी तरीके से जब हमको आपने सोसाइटी ने चौकीदार के तरह पर रखा हुआ है, तो हम भौंके या ना भौंके, इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि अगर वो ट्रेंड कुत्ता होगा तो घर वालों पर नहीं भौंकेगा और बाहर वालों पर भौंकेगा। तो ये ट्रेनिंग जो है पुलिस की अगर बेहतर होती और बेहतर हो, तो चांसेस ये है कि वो गलत पर भौंकेगा और सही वालों के सामने जो है वो भीगी बिल्ली बन जाएगा। ये तो बहुत ही सही तरीके से समझाया आपने, समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, तो हाँ शुरू करते हैं फिर। अब समझ गए हम लोग, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम लोग तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझना चाहते थे कि शुरुआत से शुरू करते हैं हमेशा। तो एक डेली टिपिकल डे किस तरीके से होता है कांस्टेबल की लाइफ में, या एक इंस्पेक्टर की लाइफ में, या डीजीपी की लाइफ में, वहां से शुरू करते हैं और फिर हम लोग और अलग पहलू समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो मैं शुरू करूं डीजीपी के लाइफ में, बिकॉज़ वो मैंने खुद जिया है। फिर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का तो मैंने दूर से देखा है और समझा है, लेकिन डीजीपी की ज़िंदगी कैसे शुरू होती, दिन कैसे शुरू होता है मैं बताने की कोशिश करता हूं। नॉर्मली जो दिन शुरू होता है वो पूरे स्टेट की पिछले 24 घंटे की इंसिडेंट्स की रिपोर्ट 6:30 बजे आ जाती है, अगर आप 6:30 बजे तक सो पाए तो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि 4:30 बजे कुछ और खबर आती है कि साहब ये हो गया वो हो गया। तो पहले पहला काम तो ये होता है, इससे पहले कि सुबह की चाय पिया जाए या और कुछ किया जाए, उसको देख लिया जाता है कि कहाँ क्या हुआ। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डीजीपी इन अ सेंस एक एडवाइज़र होता है वो चीफ मिनिस्टर के लिए। तो ऐसे इंसिडेंट जिनका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन हो, राजनीतिक उसका पहलू हो, उन इंसिडेंट्स वो इंसिडेंट अगर उस सूची में होते हैं तो आप समझिए कि आंख बिल्कुल खुल जाती है, नींद हवा हो जाती है। क्योंकि ये मालूम होता है कि मुख्यमंत्री भी सुबह उठ के यही काम करते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो मुझे मालूम है कि 7 बजे से पहले हमारे टाइम में जो मुख्यमंत्री जी थे, 6:45 7 बजे के बीच में फोन आता था, अरे भाई ये क्या हो गया। तो उनको कम से कम प्रिलिमिनरी बातें बतानी पड़ती हैं और बताना पड़ता है कि इसका राजनीतिक पहलू क्या बन सकता है, जिसको वो ऑलरेडी पहले से जानते हैं। और बेसिकली वो ये चाहते हैं कि आप कहें कि साहब सब मैं संभाल लूंगा। यहाँ पर मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं बहुत पुरानी बात है, मैं एसपी था, ये दिस इज 1992 और समथिंग लाइक दैट। तो उस जमाने में हमारे डीआईजी हुआ करते थे, वो बनारस में थे, मैं एक जिला है बलिया, वहाँ एसपी था। तो उनका फोन एवरी डे विदाउट फेल 7:30 बजे आता था और वो हमसे वो कहते थे कि भाई बताओ क्या है। तो हम कहते थे सब सब ठीक है, और इससे पहले कि मैं कुछ और को पूछूं वो धड़ाम से फोन रख देते थे। तो एक दिन मैंने फोन किया उनको, मैं गया उनके यहाँ किसी मीटिंग में, तो मैंने कहा कि साहब आप सुबह 7:30 बजे फोन करते हैं और इससे पहले कि मैं अपना जवाब पूरा करूँ आप धाड़ से फोन रख देते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरी बात आप सुन भी पाए या नहीं सुन पाए। बोले कि नहीं, देखिए हमारा पर्पस दो है, आपको मालूम है कि 7:30 बजे फोन आएगा, इसलिए उससे पहले आप सब जानकारी खुद कर लेते हैं, मेरा काम आधा पूरा हो गया। और अगर आप कहें कि गड़बड़, तो मैं कहूंगा तुम कर क्या रहे हो फिर। तो अगर तो उन्होंने तो कहने का मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर को एश्योरेंस चाहिए होता है कि आई एम ऑन टॉप ऑफ द गेम, एवरी मॉर्निंग ही नीड्स टू बी टोल्ड दैट आई एम ऑन टॉप ऑफ द गेम, और जो भी हुआ है या होने की संभावना है उसको आई नो इट और उसको मैं संभाल लूंगा। इसी और ये जो 24 घंटे की लिस्ट आती है, उसके अलावा अगले 12 से 16 घंटे में क्या क्या पॉलिटिकल या इस तरह के इंसिडेंट्स प्लानिंग है लोगों की, तो
कोई एजिटेशन है, ये है वो, उसकी भी लिस्ट आती है, उसमें मुख्यमंत्री बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उस लेवल पर देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल एंगल टू एवरीथिंग। कहीं कोई मर्डर, आप जानते हैं अभी कलकत्ता जो है वो जीता जागता एग्जाम्पल है, तो के हर चीज़ का एक पॉलिटिकल राजनीतिक उसका एक पहलू बन जाता है, उसको कलर दे दिया जाता है, सही या गलत को एक अलग हम लोग आगे बहस कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इस काम को करने के लिए न सिर्फ उस इंसिडेंट की को समझना पड़ता है, बट उस इलाके की क्या डायनामिक्स हैं, पॉलिटिकल सोशल डायनामिक्स है, उसको समझ करके यू हैव टू रेस्पॉन्ड। एक आदमी मर गया, दूसरे ने मार दिया, वो आपको ही मालूम है, अखबार पढ़ के मालूम, लेकिन उसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे, लाइक इन इन लाइक 30 सेकेंड्स यू हैव टू फिगर इट आउट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट आर द व्हाट ऑल शेप इट कैन टेक। बिकॉज इफ यू आर स्लो एज द कैलकटा गाइज वर, देन यू हैव यू नो एग ऑन योर फेस विच द कैलकटा गाइज हैव। तो यू नो, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है सुबह उठते उठते ये, और उसके बाद फिर यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग टू द वेरियस योर लेफ्टिनेंट्स अक्रॉस द स्टेट इन यूपी। एज यू नो यहाँ 75 जिले हैं, 75 जिलों के तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 23 करोड़ लोग यूपी में रहते हैं। हाँ तो मैं तो यही कहता था कि अगर उसमें 0.1% आदमी भी बदमाशी पर आमादा है तो सोचिए मेरे लिए कितना बिल्कुल। हाँ प्रॉब्लम हाँ एक सब है। तो विश्व के 10 बड़े स्टेट्स जितना, हाँ मतलब बड़े कंट्रीज देशों की जैसा, जितना है, तो देशों हाँ में। उतना उसकी 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 जनसंख्या है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम ये रहता है सुबह सुबह। उसके बाद दिन भर का की टास्किंग, लोगों को, ऑफिसर्स को, हमारे साथ जो स्टाफ ऑफिसर्स काम करते हैं उनकी टास्किंग करने, 24 घंटे में क्या करना है, ये होता है। फिर बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं, मतलब एक यूपी में डीजीपी प्रतिदिन कम से कम 70 से 100 लोगों से मिलता है, उसमें कम से कम 20 20 MLAs MPs होते हैं। वो अपने अपने इलाके के इश्यूज को लेकर के आते हैं। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम लोग नौकरी शुरू कर रहे थे और ट्रेनिंग हो रही थी, तो ये इम्प्रेशन दिया गया, किसी ने कहा नहीं, लेकिन ये इम्प्रेशन दिया गया कि नेता जब आता है तो गलत काम के लिए ही आता है। लेकिन जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो आप ये रियलाइज करते हैं कि चूंकि हमारा सिस्टम बहुत इनएफिशिएंट है, इसलिए बहुत से जायज और सही काम भी नहीं होते हैं। सो मेनी अ टाइम्स वो सही काम कराने के लिए आता है, और नेता से डील करने का तरीका ये है कि उस जो 10 काम लाए उसमें दो तीन सही होंगे वो कर दो, बाकी के बारे में कहो कि देखता शानदार। हाँ हूं। तो डोंट एवर से नो टू हिम इन फ्रंट ऑफ हिज लैकीज, बिकॉज देन ही लूजेस फेस, एंड दैट इज, जब वो लैकीज चले जाए तो उनको आप जो कहना कह लीजिए, हम लोग तो बहुत कुछ कह के निकल गए उनको, अच्छा बुरा सब वो बंद कमरे में आपको जो कहना है कर दीजिए, लेकिन उसके जो उनके साथ आते हैं उनके सामने तो उनका सम्मान और ये सब जो है बहुत जरूरी जरूरी है है। और उचित भी है, उचित भी है, उचित भी है। तो एक तो ये होता है लोगों से मिलना। उसके बाद जो आप बहुत सा समय लग जाता है, जो आपके इंटरनल यू नो यूपी पुलिस इज कंप्राइज ऑफ 3 लाख पीपल, 3 लाख लोगों के 3 लाख लोग हैं उसमें, कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, डिप्टी एसपी हैं, उनके एचआर इश्यूज इतने सारे रहते हैं। ऑब्वियसली हमको असिस्ट करने के लिए कई ऑफिसर रहते हैं जो हमको हेल्प करते हैं। फिर फाइनेंस का इशूज रहता है, वी यूज टू हैव अबाउट 35,000 करोड़ का बजट, तो उसका इश्यूज रहते हैं। फिर कम से कम मैं रोज 1 घंटे का समय लगाता था प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, टू मेक यूपी पुलिस रेडी फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स। 15 इयर्स के आगे क्या रिक्वायरमेंट होंगे उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, ये सब करते थे। लेकिन कोई भी प्लान पूरा इसलिए नहीं हो पाता था टाइम टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि दिन भर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी समस्या आती थी जो कि इट वॉज मोर देन अर्जेंट, इट वॉज एब्सोल्युटली
हॉट बटन काइंड ऑफ थिंग, इसलिए उसमें लग जाना पड़ता था। फिर उस तरह के मामले में अगर आप लग गए तो कितने घंटे लगेंगे आपको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। हो सकता है कि वो 1 घंटे में समझ जाए, हो सकता है 25 घंटे में समझ ले। और फिर उसके, एज आई सेड, कि उसके इतने सारे पहलू निकल आते हैं कि उसको सुलझाते सुलझाते आपको बहुत समय लग जाता है। तो वेरी ब्रॉडली ये होता था। और फिर वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, डिपेंडिंग के जैसा माहौल रहा, जो क्राइम, इम्पोर्टेंट क्राइम्स है, उसका डिस्कशन विथ जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो कि क्राइम का एस्पेक्ट देखते थे, उनके साथ बैठ कर डिस्कशन करना, ये पहलू रहता था। तो जैसा मैंने कहा कि क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, फिर कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, क्योंकि होम डिपार्टमेंट से बहुत सी चीज़ें करानी होती थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कई इश्यूज रिजॉल्व करने होते थे। और ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म रखना और एज फार एज पॉसिबल उनको अच्छे मूड में रखना। ही शुड नॉट पैनिक, बिकॉज जब नेता पैनिक करता है तो फिर वो बहुत घबरा जाता है। ही जब नेता घबराता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है, जामिन फिर वो जी, उसको आपकी कुछ बात बोलने से, लगता है। आपकी बात से एक चीज लगी, मतलब जो ऐसे हम नहीं सोचते हैं और एज ए सीनियर लीडर से बात करें तो समझ में आता है कि एक तो पुलिसिंग का एस्पेक्ट है, बट एज ए सीनियर लीडर ऑब्वियसली 2 लाख का मैन पावर ही इतना जबरदस्त है, उनका ट्रेनिंग नीड्स वगैरह, एंड 35,000 करोड़ कोई तीन छोटा लाख अमाउंट थोड़ी है। हाँ सॉरी, 3 लाख, नहीं एंड 35,000 करोड़ इज अ मतलब वेरी वेरी बिग नंबर। थोड़ी सी गलती हो जाए ऊपर नीचे तो 300-400 करोड़ तो कहाँ चले जाए पता ही ना चले एक हफ्ते में, है ना, जाया होने में पैसा समय नहीं लगता। तो आपके पास क्या ऐसा पुलिस में होता है क्या कि आप प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं जो कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेज करने के लिए, या एचआर प्रोफेशनल्स जो एचआर मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं उनको ये वेरियस रोल्स लेने पड़ते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी से आप लोग काम चला लीजिए, तो ये किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? नहीं, अभी तक सौरभ, बाहर से लेने की प्रथा सरकारी महकमों में नहीं है, सरकारी विभागों में नहीं है। और इन हाउस ऑफिसर्स जो होते हैं, आईपीएस ऑफिसर सीनियर लेवल पे होते हैं, जो कि इन सब चीज़ों को अलग अलग हैंडल करते हैं, उनको काफ़ी डोमेन नॉलेज रहती है कि वो कर लेते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे, अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एचआर की बात कर रहा हूँ, तो उसके अपने पिक्यूलियरिटीज होंगी, ऑफ अपनी कोर्स, उसकी विशेषताएं होंगी, उसकी अपनी समस्याएं होंगी, उसकी अपनी पेचीदगियाँ होंगी। तो बाहर वाले को जितना देर वक्त समझाने में लगेगा, उतने देर में तो मैं सोल्यूशन निकाल लूंगा। नहीं, लेकिन अगर और अगर आपका खुद का कार्डर भी हो जो कि अगर शुरू से वो आए तो वो भी तो सीनियर होते होते सीख जाएगा ना पुलिस का काम, या हाँ, आप प्रेफर नहीं आप करते सही, वो मतलब चीज? गवर्नमेंट में अभी तक ऐसा नहीं है। हालांकि अब धीरे अच्छा धीरे पिछले 8-10 साल से कंसल्टेंट्स लेने की प्रथा शुरू हुई है, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हुई है। और बल्कि कुछ लोग नाराज भी होते हैं कि कंसल्टेंट्स आते हैं और प्रवचन देते हैं, उनको नहीं मालूम, बिल्कुल बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत सी किसी हद तक थ्योरेटिकल होते हैं, किसी हद तक वो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डेप्थ इन द जी, नॉलेज, विच इज अंडरस्टैंडेबल। तो आप, इन शॉर्ट आंसर ये है कि अभी तक उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई, या ये कहिए कि उसकी प्रथा अभी 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 नहीं नहीं है शुरू। नहीं। ठीक हाँ है हाँ तो ये तो डीजीपी की लाइफ का एक दिन उसकी झलक मिल गई, मतलब 70-80 मीटिंग हर दिन करना, वही मुझे बहुत ही इंट्रोवर्ट का काम नहीं है ये, तो उतने हाँ लोगों से नहीं तो मिलना। उसमें मैं, अच्छा, हमसे पहले जो ऑफिसर्स थे, डीजीपीज, जो जो एमएलएज एमपी आते थे, करीब 15-20 तो आ ही जाते थे, या सीनियर ऑफिसर्स, तो उनको ये था कि भाई उनकी उनके सम्मान में चाय पिलाई जाए। ये कम से कम यूपी में ये माना जाता है, इतना तो आपको करना ही हाँ पड़ेगा, कर्टसी है ही, चाय इतनी कर्टसी। तो कर्टसी है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि चाय का मतलब 10 से 12 मिनट, तो वो मेरा टाइम बर्बाद करेगा। तो मैंने जो है
काजू किशमिश रख दिया। हमने कहा कि काजू किशमिश बादाम रख दो, वो उनके सामने रख दो, वो 3 मिनट में खेल खत्म हो जाता था। आपने काम की बात किया, 2 काजू चबाए, 1 बादाम मुंह में रखा और आगे बढ़ गए। तो आई यूज टू सेव, तो ये टाइम मैनेजमेंट में काजू किशमिश ने बहुत मेरी मदद की। वाह, ये बहुत बहुत तो बहुत बढ़िया नुस्खा है, कोई आईपीएस ऑफिसर सुन रहा है अगर सो हमें सौंफ और काजू और किशमिश और बादाम रख दिया, उसको लगा था आप काजू किशमिश खिला रहे हैं। तो। और आई सेव पर मीटिंग आई सेव 5 to 6 minutes एवरी डे। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात भाई कही आपने। तो हाँ, अब बढ़ते हैं इंस्पेक्टर की ओर। तो इंस्पेक्टर के तो इंस्पेक्टर साहब की ये पोजीशन है कि यूपी में फॉर एग्जांपल 1600 थाने हैं, 1600 थाना प्रभारी हैं, तो उनके ऊपर एसपी होता है और एसपी के ऊपर डीआईजी, आईजी और फिर ऊपर डीजीपी। तो आप सोचिए कि जो चीज़ें मैं उत्तर प्रदेश के लिए करता था, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, लगभग वही चीज़ें रेप्लिकेट होती हैं इंस्पेक्टर के लेवल, क्योंकि अपने इलाके में जो उसके हुआ है, होने वाला है, जो हुआ है उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और जो होने वाला है उसकी क्या पिक्चर बनेगी, ये सब उसको करना है, ये सब उसको करना है और अपने एसपी को इन्फॉर्म करना है। दैट इज वन थिंग। दूसरा, जो उसके थाने के अंदर 30, 40, 50, 100 जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, ये वो, उनको मैनेज करना है, उनकी ड्यूटी असाइन करना है, उन्होंने क्या कल किया उसको देखना है। कोर्ट थानों में बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, कोर्ट्स में जो मैटर लगे हुए हैं उनमें गवाह को सुनिश्चित करना कि गवाह पहुंच जाए, ये सुनिश्चित करना कि इसमें उस ट्रायल में जो डॉक्यूमेंट्स या जो आर्टिकल्स एग्जिबिट्स होते हैं जो इस्तेमाल होंगे, फॉर एग्जांपल एक मर्डर है तो उसमें कोई खंजर हो सकता है या पिस्टल हो सकती है या लाठी हो सकती है जिससे मर्डर किया गया हो, उसको थाने से या मालखाने से पहुंचवाना टू दी कोर्ट, ताकि वहां उसको वो एग्जिबिट जो है डिस्प्ले हो सके। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ हिज वर्क, वो करता है वो। थाने लेवल पर ट्रैफिक इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रैफिक, उसको मालूम है कि कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक बॉटलनेक्स हैं, किस समय कहाँ पर बॉटलनेक होता है। तो उसको तो आई वुड से कि थाने के इंस्पेक्टर को तो ही हैज टू चेंज हिज स्ट्रैटेजी 20 टाइम्स इन अ डे, ये कहाँ पर क्या होगा उसको नहीं मालूम, क्योंकि इतना माइक्रो लेवल पर होता है और अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स से डील कर रहा है। तो आज जो है साहब ब्रिगेड रोड पर जाम लग गया, कल जो है वो चर्च रोड पर लग गया, और परसों जो है कहीं और लग गया, तीसरे दिन जो है दोनों जगह लग गया। तो एक तो ट्रैफिक इज ए बिग इशू। अच्छा, इंक्रीजिंगली अब जो है आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बताएं। नहीं, मैं नहीं सोच रहा नहीं था कि ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक थाने तो अलग होते हैं ना, जैसे कर्नाटका में अलग होते हैं, तो नहीं नहीं उस ट्रैफिक थाने अलग होते हैं, ट्रैफिक थाने अलग होते हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक वाले तो ट्रैफिक कांस्टेबल जो है वो तो बड़े बड़े चौराहों को मैनेज करता है, जो अंदर की गलियां हैं वहां जहाँ नो पार्किंग में लोगों ने गाड़ी लगा दी, जो वन वे में घुसा दिया, कहीं कोई शादी बारात हुई तो पता चला वहां पर लोगों ने तंबू लगा दिया, रास्ता जाम कर दिया, एन नंबर ऑफ इश्यूज। फिर इंक्रीजिंगली इशू लड़कियों और महिलाओं के सिक्योरिटी और सुरक्षा का रहता है, किस टाइम लड़कियों के स्कूल को की छुट्टी हो रही है, किस टाइम आती हैं जो लड़कियां, उसके आसपास इंश्योर करना के एक एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी रहे, दैट इज बहुत हाई प्रायोरिटी चीज़ हो गई है। थैंकफुली, बहुत थैंकफुली ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो गई है, हालांकि इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगातार है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये रहता है। फिर उसको रात में नाइट पेट्रोल करना होता है अपने इलाके में, जहाँ जहाँ पर क्राइम इन्फेस्टेड है या क्राइम के लिए वल्नरेबल है वहाँ पर उसको वो देखना पड़ता है। और फिर कोऑर्डिनेशन विद अगल बगल के जो थाने होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो मैं तो समझता हूँ कि थाने का जो इंचार्ज है मेरे हिसाब से वो सुपरमैन टाइप की चीज़ होता है, उससे इतने एक्सपेक्टेशन होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं, क्योंकि उसी 24 घंटे में वीआईपी भी आएगा, उसी 24 घंटे में सीनियर अफसर भी बुलाएंगे उसको, उसी 24 घंटे में उसको महिलाओं की सुरक्षा भी करनी है, उसी में उसको क्राइम भी देखना है, उसी में उसको जो
अपने आप को भी थोड़ा बहुत देख लेना है, अपने सबॉर्डिनेट्स के काम को भी उसको सुपरवाइज करना है। तो सिस्टम का बैकबोन है और उससे एक्सपेक्टेशन जो हम लोगों की रहती है सीनियर ऑफिसर्स, वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड होती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि दे हैव बीन एब्सोल्युटली सुपर ह्यूमन इन देयर परफॉर्मेंस। हालांकि अक्सर वो ढीला ढाला दिखेगा, लेकिन ही विल नॉट लुक स्मार्ट एटसेट्रा, बट हिज माइंड इज ऑलवेज टिकिंग। कोई थाना इंचार्ज उस अगर वो स्विच ऑफ कर जाए 1 घंटे के लिए, उसको थाने में कबाड़ हो जाएगा, ये तय है। ही कैन नॉट स्विच ऑफ, ही कैन नॉट अफोर्ड टू स्विच ऑफ। और इसका दूसरा जो मानवीय पहलू है, जो कि बेचारे कभी कभी जब डांट वाट खाते हैं ज्यादा अधिकारियों से, तो कहते हैं साहब मैं क्या करूं, 2 घंटे चला गया था, बेटे की बर्थडे थी, मैं क्या करूं, आई एम सॉरी। सो देर आर देर देर इज अ लॉट दैट दे हैव टू सेक्रीफाइस टू परफॉर्म एट द लेवल दैट वी दैट द सिस्टम एक्सपेक्ट्स देम टू। एंड दैट आस्पेक्ट इज समथिंग दैट जो कि बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं। कोई मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो समझें, क्योंकि उनको तो सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन एज सीनियर ऑफिसर उनके उनके उनकी हित भी देखना हमारा जिम्मा है, तो हमको तो देखना पड़ता है। अगर वो 6 महीने बाद कहे साहब एक दिन मुझे अपनी पत्नी को इलाज के लिए ले जाना है, तो उसको मैं नहीं मना कर सकता, लेकिन उसको बिल्कुल खुद ही 6 महीने से पहले हमसे कहेगा ही नहीं। अगर इम्पोर्टेंट थाने का इंचार्ज है तो उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि कहे कि साहब मुझे 2 दिन छुट्टी चाहिए। छुट्टी पुलिस डिपार्टमेंट में घंटों के हिसाब से दी जाती है। आई मीन आई वॉज गिवन लीव ऑफ 72 आवर्स टू गो एंड गेट मैरिड। दे डिडंट टॉक इन टर्म्स ऑफ डे, दे सेड 72 आवर्स, तुम जाओ शादी करो वापस मैं एक बार मुझे एक पुलिस थाने में जाना पड़ा था अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की कुछ एप्लीकेशन के रिलेटेड। तो मैंने देखा था वो पुलिस स्टेशन में जो जहाँ मैं फॉर्म भरी थी, तो एक छोटा सा रूम था और रूम में ही 2 बेड्स लगे हुए थे और पीछे कपड़े भी टंगे हुए थे। मतलब हम ये देख पा रहे थे कि वो पुलिस शायद वहीं पे सोते हैं, ज्यादातर दिन वहीं रहते हैं, वो बीच बीच में अब ये काम कर रहे हैं और जब शायद मौका मिलता होगा तो सोते होंगे कि कैसे करते होंगे। मतलब ये तो ऐसा बहुत ही अपेरेंट था कि हाँ उनकी लाइफ में कोई सेपरेशन नहीं है, नौकरी क्या और उनकी जिंदगी क्या, सब कुछ जुड़ा हुआ था, ऐसा एविडेंट था। बिल्कुल बिल्कुल तो ख्याति जी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके वैसे वो किसी हद तक डिह्यूमनाइज हो जाते हैं कभी कभी। इनसेंसिटिविटी और डिह्यूमनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, कि जो समस्या है, उसकी वजह शायद यही है। आपने वैसे सीबीआई में भी काम किया है, राइट? तो मैं आपको एक सवाल ये पूछना जी चाहती थी कि काफी बार हम कुछ भी बड़ा कोई इंसिडेंट हो जाता है या कुछ भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है तो बोलते हैं कि इस केस को सीबीआई को दे देना चाहिए। तो पर किस प्रकार के केस एक्चुअली सीबीआई हैंडल करने के लिए बनी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे हमें? क्योंकि हम एज नॉर्मल आम जनता को लगता है कि कोई भी बड़ा केस है तो चलो नहीं तो सीबीआई को ही करना चाहिए, तो ये कैसे होना चाहिए एक्चुअली? हाँ, पर सीबीआई में जाने से पहले हम लोगों को कांस्टेबल को नहीं भूलना चाहिए। तो पहले कांस्टेबल वाला तार खत्म करते हैं, फिर ठीक सीबीआई है, की ओर जाते ओके। हैं। मैं कांस्टेबल की कहानी बताता हूँ, उसके बाद फिर ख्याति जी की जो जिज्ञासा है वो बताता हूँ मैं। हाँ तो जो कांस्टेबल है उसकी ड्यूटी नॉर्मली जो है वो लगती है किसी चौराहे पर, वहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए कि वहाँ पर कोई मारपीट ना हो, वहाँ पर कोई ट्रैफिक जाम ना हो, वहाँ पर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। उसकी प्रेजेंस से ही लोगों को कुछ लगे कि साहब समवन इज वॉचिंग, कोई इस तरह की बदमाशी ना हो, तो उसकी ड्यूटी एक तो ये रहती है। फिर रात के टाइम में उसको बीट, जो हम लोग बीट कहते हैं, जो उसका इलाका होता है वो बटा रहता है। फिर उसको उस इलाके में भ्रमण करते रहना पड़ता है। पहले तो पैदल करते थे, फिर बाद में साइकिलें आई, अब मोटरसाइकिल पर करते हैं। तो वो गलियों में, सड़कों पर, इधर उधर,
रैंडमली अपने इलाके में घूमता है, जो लोग नोन बदमाश लोग हैं उन पर ज़रा नज़र रखता है। नज़र रखने का तरीका ये है कि वह पूछ लिया, भाई कहाँ है, 2 दिन से दिखा नहीं, उसके घर ही पर पूछ लिया या उसकी माँ से पूछ लिया कि वो कहाँ है, ताकि उस पर एक प्रेशर सा बना रहे कि भाई पुलिस वाले पूछ रहे हैं, तुम उनकी नज़र से हटे नहीं हो, उनसे यू आर नॉट, यू आर स्टिल ऑन देयर लिस्ट, ऑन द रेडार सॉर्ट ऑफ, तो वो रहता है। फिर बहुत सा समय बंदोबस्त ड्यूटीज में लग जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है। अनफॉर्चुनेटली हो ये गया है कि पुलिस की ज़रूरत हर काम में पड़ने लगी है। पुलिस बनी थी क्राइम कंट्रोल के लिए, लेकिन अब जो है इम्तिहान होता है स्कूल का, उसमें पुलिस लगती है, इलेक्शन में पुलिस लगती है, रात भर बिजली नहीं आई तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें पुलिस लगती है, नाला नहीं साफ हुआ वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें पुलिस लगती है। तो जो सिस्टम की जितनी और इन्फर्मिटीज़ होती हैं, उसका जब पब्लिक आउटक्राई होता है उसको निपटने के लिए पुलिस रहती है, और नेचुरली फिर वो गालियाँ भी सुनती है एंड दे डोंट एंजॉय इट, बिकॉज वो कहते हैं कि साहब इंजीनियर साहब तो चले गए, अब सुबह में आएंगे, हम रात भर यहाँ भीड़ के सामने खड़े रहे, गालियाँ सुनते रहे। तो वंस अगेन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मौके पर तो वही रहते हैं और स्वाभाविक है कि पब्लिक उन्हीं से अपनी भड़ास निकालती है, लेकिन वो चाहे वो क्या कर सकता है, वो बिजली तो बन नहीं जाएगा, न ट्रांसफार्मर बनाने की उसको क्षमता है। तो ये उसका रहता है, उसकी जो दिनचर्या है वो भी ऐसी रहती है कि वो 12 घंटे 13 घंटे कभी कभी और ज़्यादा काम करता है, और छुट्टी के लिए वंस अगेन बहुत समस्या रहती है। उसको जो कोर्ट के समन्स होते हैं, कोर्ट के समन्स आते हैं, वारंट्स आते हैं, उनको सर्विस करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना, वो भी एक इम्पोर्टेंट उसका काम रहता है। तो इस तरह की फिर वो जो सीनियर ऑफिसर्स के साथ, के इंस्पेक्टर के साथ कहीं रेड करना है उसमें उसको जाना है, कहीं मर्डर हो गया तो सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर करने के लिए जाना है, या इस तरह की जो कोई घटना हो गई तो सीनियर ऑफिसर के साथ जाना है टू असिस्ट हिम, तो उसके भी मल्टीफेरस किस्म के जॉब्स रहते हैं, लेस डिफाइंड बट इक्वली वाइड इन देयर स्कोप। तो उसका भी वही होता है कि छुट्टियां एक मसला होती हैं क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बन डिमांड्स फ्रॉम द पुलिस बढ़ रही हैं, तो ऐसे 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 हालत में हमेशा जो है वो मैन पावर की कमी का एहसास पुलिस वालों को होता है, और उसका नतीजा होता है कि जो रहते हैं उनसे बहुत लंबे आवर्स तक काम देना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो पुलिस वाला स्ट्रेस में होता है वो 2 चीज़ों से, एक तो ये कि समय पर खाने पीने या अपने नहाने धोने या अपने जो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए उसको वक्त नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से बहुत बीमारियां होती है। अबाउट हम लोगों ने एक स्टडी किया था, अबाउट 45% ऑफ द कॉन्स्टेबल्स इन यूपी वर फाउंड टू हैव गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यू नो गैस्ट्रो रिलेटेड डिजीजेस, बिकॉज इरेगुलर खाते हैं, इधर उधर खाते हैं, रोड पर खा लिया, इधर खा लिया, उधर खा लिया, तो एक तो वो हो जाता है जिसके वजह से वो धीरे धीरे करके उनकी तबीयत बहुत, बीमारियों का बहुत सिलसिला हो जाता है। और दूसरी चीज़ के वो अपने बच्चों के साथ समय नहीं दे पाते हैं। पुराने ज़माने में ये होता था कि बच्चों को, बीवी बच्चे गांव में रहते थे तो वो कभी छुट्टी गया 10 दिन के लिए तो अपना रह के आ गया, लेकिन अब का जो कांस्टेबल है वो एजुकेटेड है, वो अपने बच्चों को भी एजुकेशन चाहता है, उसकी बीवी भी शायद पढ़ी लिखी है, वो शहर में रहती है, उसको हफ्ते 10 दिन पर मॉल जाना है, बच्चों को पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, वट एवर जो आजकल के रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसको वो नहीं पूरा कर पाता है, तो दैट कॉजेज हिम अ लॉट ऑफ पेन। और द थर्ड थिंग जिसके वजह से उसको बहुत कष्ट होता है वो ये है कि उसकी सर्विसेज को रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। उस किस किस कभी ये नहीं होता कि साहब पिछले 1 महीने में हमारे इलाके में चोरी नहीं हुई, कांस्टेबल साहब थैंक यू वेरी मच, लेकिन अगर किसी दिन कोई किसी की साइकिल चोरी हो गई क्योंकि वो उसने ताला नहीं लगाया था, छोड़ के अंदर चला गया था, तो हाय हाय होने लगती है और ये होता है कि इसी ने चोरी करवा दिया हो। सो ही इज़ अ मच मलाइन मैन,
एंड हिज सर्विसेज आर नॉट रिकग्नाइज्ड इन दैट सेंस। तो ये हो गया, ये किस्सा है सिपाही का, कॉन्स्टेबल का। सीबीआई में जाने से पहले इसी से एक मुझे रिलेटेड सवाल था कि आपके तीनों ये सुन करके चीज लगी कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दायरा बढ़ता जा रहा है ओवर टाइम, तीनों ही हर लेवल पर, तो आप लोगों ने ऐसा सोचा तो होगा कि क्या मतलब बंदोबस्त टाइप की चीजें, क्राइम टाइप की चीजें, नॉर्मल और लॉ एंड ऑर्डर, इन सबको डिवाइड कर दिया जाए, तो ऐसा है कुछ डिवीजन, और नहीं है तो अभी भी क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तो आपको एक्सटर्नल नहीं चाहिए, वो तो आप अपने ही डिपार्टमेंट्स बांट सकते हैं, या फिर उसमें भी कोई आई मीन पेच है? नहीं, पेच कोई नहीं है। पेच ये है कि अगर एक आदमी तीनों काम मिला जुला के कर ले रहा है 8 घंटे के बजाय 13 घंटे में काम करके, तो मिला जुला के कर ले रहा है। अगर उसको कहिए कि तुम यही करना यही करना है, तो आपको एक की जगह तीन आदमी चाहिए होगा। तीन आदमी बिल्कुल. चाहिए होगा तो सरकार को बजट देना होगा, बजट है नहीं, सिंपल एज दैट। अच्छा, तो बात सिर्फ इतनी है कि हम मतलब अमीर हो रहे हैं, लेकिन अपनी अमीरी जैसा हम पुलिस पे तो खर्च नहीं कर रहे हैं शायद, तो आइडियली तो करना चाहिए ना ठीक से भाई. आपकी पुलिस अगर आप इतने खराब तरह से ट्रीट करेंगे तो अच्छी पुलिसिंग तो नहीं मिलेगी. ये तो मुझे जो छोटा सा मजमून मिला आपकी बात सुन के, वो ये लगा कि वी आर मतलब हमारे जो सेवा कर रहे हैं लोग, उनकी सेवा हम तो नहीं कर रहे ठीक से. हाँ, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की पुलिस ओवरवर्क्ड है, अंडर स्टाफ्ड है, अंडर ट्रेंड है, एंड मतलब इन सब चीज़ों पे सुधार की ज़रूरत है। अब कहाँ तक हो पाएगा ये तो आगे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आगे इसका। बिल्कुल 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 तो ठीक वापस आते हैं है. सीबीआई के ऊपर। अभी सीबीआई एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है ख्याति। जब मैं वहाँ 13 साल रहा, इस इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, 13 साल मैंने गुजारे वहाँ पे। तो वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 9,000 कुछ लोग हैं, डायरेक्टर सीबीआई से लेकर के स्वीपर तक, कुल पूरे हिंदुस्तान में। तो वो लगभग हर स्टेट में उनका छोटा सा एक दफ्तर होता है, और वहाँ उस स्टेट के जो अपराध होते हैं विशेष प्रकार के, उनको वो हैंडल करते हैं। बेसिकली सीबीआई का काम है एंटी करप्शन वर्क, भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित तो काम होता है वो करते हैं। और वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ पैसा लगा हुआ है, जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, रेलवेज हैं, या और इस तरह के बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनसे रिलेटेड क्राइम, उनमें सीबीआई का फर्स्ट कॉल होता है कि आप इसमें कार्रवाई करें। उसके अलावा सीबीआई के पास एक स्पेशल केसेस, स्पेशल क्राइम विंग होता है। स्पेशल क्राइम विंग के मतलब ये कि जो जो क्राइम, जो अपराध स्टेट्स में हो रहे हैं, बहुत सेंसेशनल, कोई मर्डर हो गया है, या आजकल जैसे कलकत्ता वाला इंसिडेंट हो गया, या पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप वाला केस हो गया, इफ़ यू रिकॉल। तो इस तरह के केसेस जिनका रैमिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, और इंटर स्टेट रैमिफिकेशन भी है, उन केसेस को गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई को हैंडओवर कर देती है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर देती है हैंडओवर। तो वो केसेस सीबीआई करती है। फिर पिछले करीब 20-22 साल, 25 साल हो गए, सीबीआई ने एक बैंकिंग फ्रॉड सेक्शन खोला है। बैंकिंग डिपार्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर में जो फ्रॉड्स होते हैं, एंड लेट मी टेल यू, देर आर ह्यूज फ्रॉड्स इन द बैंकिंग डिपार्टमेंट। ह्यूज मीन्स लाइक ह्यूज फ्रॉड्स इन द बैंकिंग डिपार्टमेंट। उनको हैंडल करने के लिए सीबीआई की एक अलग विंग होती है। उसमें सौरभ को शायद बताना चाहूँगा मैं कि उस सेक्शन ऑफ द सीबीआई में रिजर्व बैंक की ओर से एक सीनियर बैंकर डिप्यूट किया जाता है, अच्छा, टू हेल्प द सीबीआई ऑफिसर्स विथ अंडरस्टैंडिंग द बैंकिंग रूल्स बैंकिंग एक्सेट्रा। सिस्टम. हाँ, बैंकिंग इश्यूज जो होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। और उसके अलावा 6-7 और बैंकिंग ऑफिसर्स, मीडियम लेवल के, मिड लेवल के, वो भी अवेलेबल कराए जाते हैं टू असिस्ट दी सीबीआई टीम्स इन वर्किंग आउट द बैंकिंग फ्रॉड्स। तो एक तो ये होता है। फिर सीबीआई का एक पॉलिसी डिवीजन होता है, जिसको मैं हेड करता था।
विच इज द इंटेलिजेंस विंग ऑफ द सीबीआई. सो दे आर, इफ आई कैन से, द आईज एंड ईयर्स ऑफ द सीबीआई. दे डू अ लॉट ऑफ यू नो इधर उधर काइंड ऑफ स्टफ विच ऑब्वियसली आई कैन नॉट डिस्कस इन मच डिटेल, लेकिन दे डू अ लॉट ऑफ दिस स्टफ, स्पेशली इन दिल्ली वेयर ऑल द सेंट्रल मिनिस्टर्स आर, द मिनिस्ट्रीज आर. And we give timely advice to the political masters. साहब आपके ये आदमी हद से बाहर जा रहे हैं या whatever it is. So I was doing that work. So it was interesting to know about the activities of various luminaries. Right. तो ये आईबी, हमको लगता था आईबी करती है टिपिकली, तो आईबी और सीबीआई का कैसे ओवरलैप होता है इसमें? IB तो दे आर इंटेलिजेंस गैदरिंग पीपल, तो वो तो उनका उनका डोमेन इंटेलिजेंस गैदरिंग में तो हर चीज़ें आती हैं, लेकिन उस लेवल पे इट्स ऑलवेज गुड टू हैव टू सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन वन. ओके, तो नजर पे नजर रखी जा रही है, नजर पे नजर रखनी पड़ती है. तो ठीक, ये होता है. ठीक ठीक. अच्छा, अभी सबसे बड़ी एक जो चीज आई, और मुझे मुझे हमेशा से लगता है कि एक पुलिस वालों में एक हमेशा रहता है, एक तो पुलिस वालों की संख्या बड़ी कम है रिलेटिवली जितनी चाहिए, और मतलब ओपन पोजीशन इतनी ज्यादा, और हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा. तो ये तीनों चीजें एक साथ कैसे सच होती है? मतलब हमको ऐसा नहीं है कि पोजिशन ही नहीं है, तो पोजिशन तो सरकार देती है, फिर चार चार पांच पांच साल तक भर्ती नहीं होती है पुलिस में. तो ये क्या चक्कर है कि इज इट बिकॉज वो इतनी पॉलिटिसाइज है भर्ती होना, लोग चाहते हैं हमारे लोग भर जाएं पुलिस में वगैरह, या फिर वो प्रोसेस ही इतना कम्बरसम है, या फिर वो पोजीशन ओपन कर देते हैं लेकिन पैसा खर्च नहीं करना चाहते. ये एक और तरीका हो सकता है कि भाई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा अगर जगह ही ना भरे तो ये क्या मामला क्या है कि, और ये पूरे हिंदुस्तान में, आई एम श्योर यूपी में भी होगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई स्टेट जो है वो पुलिस रिक्रूटमेंट कर ही नहीं पाता. इसमें कई पहलू हैं जो आपने बातें कही, वो सब किसी किसी हद तक शायद लागू हैं. एक इशू तो ये है कि रिक्त पदों की संख्या बहुत है, हजारों लाखों में है. बिल्कुल. तो एक इशू तो ये होता है कि मान लीजिए कि आज की डेट में यूपी में 50,000 वेकेंसी है, तो आज आज अगर हम 50,000 भर लेंगे तो कुछ दिन बाद जितने सडनली आफ्टर 30 ईयर्स अगेन देल बी 50,000, तो उसको स्टैगर करना पड़ता है. अगर स्टैगर नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा एक हर 10 साल पर एक वैक्यूम क्रिएट होता रहेगा. तो एचआर इश्यूज हो जाते हैं उसमें, नंबर एक. नंबर दो ये कि ट्रेनिंग कैपेसिटी जो है वो अधिकतर स्टेट्स में लिमिटेड है. हमने रिक्रूट कर लिया फिर इनको ट्रेन नहीं कर पाएंगे, अगर ट्रेन नहीं कर पाएंगे तो वो और एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपने पॉलिटिकल कहा, पॉलिटिकल ये होता है कि हिंदुस्तान का जो राजनीतिक माहौल है उसमें इलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है. तो अगर आप अभी आप इलेक्शन हुआ, अगर आप जीत के आए और अगले ही महीने आपने रिक्रूटमेंट कर दिया 50,000 लोगों की, तो जब तक 5 साल बाद इलेक्शन फिर आएगा तब तक तो लोग भूल जाएंगे. तो आप रिक्रूटमेंट करते हैं ताकि वोट के टाइम में ताजा रहे मामला. दे डोंट वांट यू टू फॉरगेट कि हमने रिक्रूटमेंट कराया है तुम्हारा. तो ये इशू रहता है बहुत बड़ा. इसीलिए आप देखेंगे कि जब इलेक्शन आता है उसके एक साल पहले से रिक्रूटमेंट का गर्मा गर्मी शुरू होती है. या अगर कोई पॉलिटिकल सेटबैक हो जाता है तो होता है जल्दी रिक्रूटमेंट करो ताकि लोगों को लगे नहीं नहीं ये करेगा करेगा कुछ करेगा. तो आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पिछले अगले 2 साल में मैं 2 लाख सिपाही भर्ती करूंगा, आज ही उन्होंने कहा है. तो अभी इलेक्शन हुए हैं, सारी बातें आप जानते हैं. तो ये बड़ा पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ जो जो हर चीज़ में हर पहलू में उसका दखल है. तो ये है, लेकिन ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बहुत बड़ा इशू है, एंड पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस होते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. जब सब 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 सारे फैक्टर्स सही हो तब आप परफॉर्म करें, तो क्या परफॉर्म किया. सही बात.
तो जावेद जी थोड़ा हमें समझाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो एक सप्लाई चेन है अगर सोचें तो किस तरह के है, कि जिसके अंदर पुलिस के साथ बाद में कोर्ट भी जुडिशियल सिस्टम भी आता है, तो उन दोनों के बीच में किस तरह से काम होता है। और जैसे फिलहाल अभी जो केस हुआ है RJ Kar हॉस्पिटल के रिलेटेड, तो इस प्रकार के किस्सों में पुलिस की क्या भूमिका है जो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के किस्सों में एक्चुअली जस्टिस हो पाए, तो उसमें पुलिस क्या कर सकता है ताकि ये चीज़ पूरी ठीक से एंड टू एंड कंप्लीट जस्टिस का जो भी मिलना है वो हो, निश्चित हो पाए। हाँ, मतलब कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज की जो घटना है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। हॉरिबल इंसिडेंट, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया कि इस इंसिडेंट में जो इंसिडेंट हुआ कॉलेज के हॉस्पिटल के अंदर हुआ, वहाँ तक तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। वहाँ तक तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कॉलेज के या हॉस्पिटल के जो लोग थे, सुपरिंटेंडेंट या जो भी थे, उनको इंश्योर करना था कि वो प्रेमिसेस सेफ रहें, इन टर्म्स ऑफ कोई इस तरह का सन्नाटा इलाका न रहे, या लड़की लड़कियां जो हैं इंटर्न्स हैं वो उनके रेस्ट करने की जगह जो है वो सेफ रहे। वो एक पहलू है। लेकिन जब ये इंसिडेंट हो गया तो पुलिस को क्या करना था? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दैट। पुलिस को ये करना था सबसे पहले कि उस सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर करें, ताकि वहाँ से जो भी एविडेंस संभव हो वो लिया जाए। पैरेलली पुलिस को ये करना था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है पुलिसिंग का, जो कि जो सक्सेसफुल ऑफिसर्स हैं वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, कि इस तरह के इंसिडेंट्स में, चाहे वो मर्डर हो या रेप हो या बहुत लंबी मारपीट हो गई हो या कुछ इस तरह का हो, अल्टीमेटली इट्स अ ह्यूमन बींग हु इज अंडर ट्रॉमा। इन दिस केस द पुअर चैप गर्ल डाइड, बट देर अदर्स ऑफ द फैमिली हु आर अंडर एक्सट्रीम ट्रॉमा। तो शोइंग एम्पथी नॉट ओनली टू द फैमिली बट ऑल टू द जो उनके आस पास के कॉलिग्स थे, उनके उनको एम्पथी शो करना, उनको जिसको कहा जाता है उनको उनका विश्वास जीतना कि हम आपके साथ हैं, इस बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं, हम जो भी हो सकता है वो करेंगे, और जो जिसने भी इस तरह की विभत्स घटना की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर हमेशा बहुत एम्पथेटिक होता है, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ क्राइम्स। एंड आई डेयर से दैट कैलकटा पुलिस वॉज लैकिंग इन दिस। जब जो अखबारों में आ रहा है कि उन्होंने कह दिया सुइसाइड है और ये है वो है, इट शोज लैक ऑफ एम्पथी, इट शोज दैट दे थॉट दैट दिस वाज जस्ट अनदर इंसिडेंट, जो कि ऑब्वियसली वो नहीं था। वो पुलिस के थाने के रिकॉर्ड में एक और रेप था, लेकिन जिसके साथ हुआ, जो मर गया, जिसके बच्चे मर गए, जिसकी बच्ची मर गई, उसके लिए तो एंड ऑफ द वर्ल्ड था। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो ये था कि टू 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 प्रिजर्व एंड सिक्योर द सीन ऑफ क्राइम। सेकंड इज टू शो एम्पथी इन विच दे फेल्ड, दे इवन फेल्ड टू सिक्योर द सीन ऑफ क्राइम। अनफॉर्चुनेटली अगले दिन लोगों ने जाके वहाँ पर तोड़फोड़ कर दिया, जो भी कर दिया। तो ये दो चीज़ें हैं थी। अब जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, जब आप सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर कर लेते हैं तो अब फोरेंसिक टीम्स जाती हैं। फोरेंसिक टीम्स जा करके जो एविडेंस है इन टर्म्स ऑफ यू नो बॉडी फ्लूइड्स जो कि वहाँ पर मिले, या और भी चीज़ें जो मिले, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को एग्जामिन करना है, वो सब चीज़ें हैं, वो सब करके आप सही धाराओं में, सही सेक्शंस ऑफ लॉ में FIR रजिस्टर करते हैं। सही FIR करके इन्वेस्टिगेशन को, जिसको कहा जाता है कि यू मेक इट फुल प्रूफ, सारे पहलू जो हैं उनको आप कवर करते हैं, ताकि अक्यूज्ड को कोई यू नो ही डजंट हैव अ वे आउट यू नो ड्यूरिंग द ट्रायल। तो ये सब, ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि जो केस बना वो बिल्कुल यू नो
सॉलिड केस बने और उस आदमी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो, समय से फाइल हो, और जब चार्जशीट फाइल हो कोर्ट में तो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे जो मटेरियल एविडेंस है वो सही तरीके से कोर्ट को अवेलेबल करा दिया जाए, और कोर्ट्स जो हैं होपफुली फिर उसको जल्दी से प्रायोरिटी पर ट्रायल करें और जो भी अक्यूज्ड है उसको सजा सुनाए, सजा सुनाने के बाद जो भी आगे कार्रवाई है होनी है वो हो। अनफॉर्चुनेटली ये होता है ख्याति जी के जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हर हर केस का एक फिजिकल पहलू होता है कि किसी ने किसी को मार दिया, कोई टक्कर हो गई, कोई रेप हो गया अनफॉर्चुनेटली, कोई लड़की के साथ मॉलेस्टेशन हो गया, व्हाटएवर, वो तो एक फिजिकल हुआ, ए बीट्स अप बी, ए रेप्स बी, व्हाटएवर। लेकिन हिंदुस्तान की जो अब जो वस्तु स्थिति है, जो रियलिटी है, वो ये है कि हर चीज़ का एक जिसको हम लोग कहें बतंगड़ बन जाता है, जिसका जिसको एंटिसिपेट करना सबसे इम्पोर्टेंट काम अब हो गया है, क्योंकि आप एंटिसिपेट करेंगे कि इसके क्या क्या पहलू बन सकते हैं, तब आप प्रियम्प्टिव एक्शन लेंगे और आप इंश्योर करेंगे कि बतंगड़ न बने और जो बात है वो अपराध पर ही रहे। अगर फर्ज कीजिए कि कलकत्ता पुलिस ने वो सब कार्रवाई की होती जैसे ही उनको खबर मिली थी, तो वो सब कार्रवाई करते जो एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर को या पुलिस यूनिट को करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं की, इसके वजह से लोग उसमें तरह तरह की बातें करने लगे कि ये छिपा रहे थे, वो दबा रहे थे, ये डिस्ट्रॉय कर दिया, वो ऑल काइंड ऑफ स्टोरीज, करेक्ट और इनकरेक्ट आई आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू से, लेकिन मौका मिल गया लोगों को अफवाहबाजी करने का। तो अफवाहबाजी और आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, वो जिसको कहा है कौआ कान देख गया, लोग कौए के पीछे दौड़े जा रहे हैं, कान चेक ही नहीं कर रहे हैं कि कौआ कान है या नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली सेंसेशनल क्राइम में मैनेजिंग दी इकोसिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो अधिकारी इसको करने में अक्षम रहता है वो न सिर्फ खुद परेशान होता है बल्कि पूरे सिस्टम को परेशान कर रहा है। तो आई मीन दैट यहाँ मतलब यहाँ बैठ करके अखबारों को पढ़ करके मुझे ऐसे ही लगता है कि वहाँ की पुलिस जो है उसने उसने इन सब मामलों में ढिलाई बरती। अब ढिलाई क्यों बरती उसके बारे में नहीं जानता हूँ मैं। हाँ जी सॉरी। हाँ आपने और इससे पहले भी एक दो बार जो हुआ, एक मेरे को जो लगा बहुत ज्यादा आपकी बातों से, लोगों को शायद पता भी है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक सूझबूझ बहुत ज्यादा चाहिए पुलिस में, और बिल्कुल ये है तो ये होनी चाहिए। आपको लगता है ये क्या एक अनिवार्य अंग है पुलिसिंग का हर जगह, ये क्या हिंदुस्तान में ज्यादा है? आपने बाहर के देशों की भी पुलिस वगैरह देखी होगी, तो ये इज दिस नॉर्मल, ये होना ही चाहिए क्या? ये पुलिसिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है या फिर हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन है? एक तो वैसे ही पुलिस सुपरमैन है और उसके अलावा मतलब साइकोलॉजिस्ट और पॉलिटिशियन भी है। नहीं, देखिए ऐसा पहली चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो अपराध है वो सोसाइटी में हो रहा है, और सोसाइटी में अगर अपराध हो रहा है तो अपराध का सोशल इम्प्लिकेशन क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इसको अगर आप नहीं समझे, पुलिसिंग जो है मैथमेटिक्स नहीं है, इट इज़ नॉट अ जीरो एंड वन बाइनरी गेम कि वो मर गया तो उसको पकड़ लिया तो खेल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। उस हर चीज़ के 1,000 पहलू हैं पुलिसिंग में, नथिंग इज वाइट, नथिंग इज ब्लैक, शेड्स ऑफ ग्रे इन एवरीथिंग। तो एक तो ये है, ये समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान और दूसरे जगहों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं यूएसए के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, वहाँ हम लोग ट्रेनिंग करने एक दो बार गए हैं, और मैं आपको कह सकता हूँ कि वहाँ भी पोलिटिकल रैमिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट क्राइम्स को उतनी ही तरजीह दी जाती है जितना कि दी जानी चाहिए, मैं समझता हूँ। और वो नेचुरल है इन अ डेमोक्रेसी, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में, गणतंत्र मतलब जनतांत्रिक व्यवस्था में पब्लिक को संतुष्ट करना ही तो सबका एम है, मतलब चाहे वो सिपाही हो या लेखपाल हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधान, पब्लिक को संतुष्ट करना है। तो अगर आप कहें कि साहब ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन पेशेंट गया मर, तो बेफायदा क्या हुआ? तो
भाई यू हैव टू इंश्योर दैट द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड द पेशेंट कम्स आउट यू नो ऑफ इट. सो इट्स नॉट अ as I said, it's not a mathematical process where you say 1 + 1 = 2. It's never 2. It's anything but 2. If you believe that it is 2, then you're bound to get into a lot of, difficult situations. पर हमारे यहाँ उसी इसी सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि काफी बार पब्लिक को कुछ कुछ एक्शन की एक्सपेक्टेशन होती है और वो क्विक एक्शन की एक्सपेक्टेशन होती है और उस नाम पे काफी बार जैसे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को भी लोग शायद उसको सपोर्ट भी करते हैं एक तरीके से, या वो तो गलत बात ही है, लेकिन शायद हमारे यहाँ पे जैसे एक बार जो हैदराबाद में एक किस्सा हुआ था जिसमें एक रेप केस हुआ था और कुछ उसके जो कन्विक्स है उनका बाद में पोलिटिकल उनका एक पुलिस इनकाउंटर हो जाता है और काफी लोगों ने उसके ऊपर बड़ी वाहवाही हो गई थी कि अरे उन्होंने क्विक जस्टिस कर दिया. लेकिन आई थिंक हमारी साइड हमारे में ये थोड़ा भी एक मिसिंग है, ये समझना कि शायद उसे जस्टिस नहीं कहा जा सकता, वो भी एक प्रकार का दूसरा क्राइम ही है. पर ये भी हो जाता है काफी बार क्योंकि लोग शायद एक प्रकार का डिस्ट्रस्ट बन गया है कि अगर सिस्टम है जो अगर सही से चलने नहीं वाला है तो कुछ भी कर लो टाइप का एक, मतलब लोग मांगते हैं कि भाई कुछ तो एक्शन करके दिखाओ, ये हो जाता है शायद. यूपी पुलिस का तो फेमस ऐसे जोक वोक रहता है ना कि गधा आ गया कि नहीं शेर, तो ऐसे नहीं यार, जो जो आप पुलिस जो तो फेमस है. आप दोनों की बातें बिल्कुल सही है. मैं तो ख्याति में आपने हैदराबाद का एग्जांपल दिया, मैं तो 1974 की बात करूंगा, बहुत पुरानी बात है, मैं स्कूल में था उस टाइम में. भागलपुर में कुछ लोग पकड़े गए थे चोरी करते हुए और पुलिस ने लोगों के साथ मिल करके उनकी आंखों में एसिड डाल करके उन सबको ब्लाइंड कर दिया था. अबाउट अ डजन पीपल वर ब्लाइंडेड. भागलपुर ब्लाइंडिंग केस बहुत मशहूर हुआ था. अल्टीमेटली इन द सीबीआई आई इन्वेस्टिगेटेड दैट केस. वो अलग बात है. तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने कहा ना कि पब्लिक जो है वो रिजल्ट चाहती है और ये जो प्रोसेस के साथ वो अब ये केस होगा और ये फाइल जाएगी और दरोगा वो जज साहब सुनेंगे, फिर वो कल कहेंगे कल आओ, और लोग इससे अब थक चुके हैं. और ये पूरे हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है इसकी इनएडिक्वेसी है, इसकी कमी है, इसकी अक्षमता है कि वो लोगों में इस तरह का भाव पैदा कर दिया उसने कि सही तरीके से चल के रास्ते पर चल करके जो सारे वैधानिक पहलू हैं कदम हैं उनको उठा करके करोगे तो उसी में रह जाओगे, कुछ होगा नहीं. तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही हम लोगों के साथ. तो उसको उसका उसका एग्जांपल ये है कि 3 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ केसेस लंबित हैं कोर्ट्स में और सुनवाई नहीं हो रही है, लोग सुनवाई के इंतज़ार में मर जा रहे हैं. तो अब उसका उसकी काट पुलिस वालों ने मेरे ख्याल से गलत, लेकिन बहरहाल उन्होंने ढूंढ लिया है कि वो खुद ही वो एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं या वो जज भी रहते हैं और प्रोसिक्यूटर भी रहते हैं. तो उसमें फिर उस तरह की घटनाएं होती हैं जिसका उल्लेख ख्याति ने किया, या भागलपुर वाली घटनाएं या और भी बहुत सारी घटनाएं. आजकल बुलडोजर से घर तोड़ने का चला हुआ है रिवाज. तो होता यह है कि जब जब शॉर्टकट शुरू होता है तो दो चीज़ें होती हैं. शुरू में तो शॉर्टकट इसलिए लोग उसको कंडोन करते हैं कि भाई वो क्रिमिनल था उसको मार दिया. लेकिन जब जिस अफसर ने क्रिमिनल को मार दिया वो सोचता है कि भाई सिस्टम के लिए तो मैंने 2 आदमी को मार के मैं हत्यारा बन गया, तो मैं अपने फायदे के लिए भी 2 और मार देता हूँ. प्रणय साहब ने कहा कि मेरा एक ये है, सौरभ से जमीन का जायदाद का झगड़ा है, जमीन है 50 करोड़ की, लो भैया जावेद अहमद 1 करोड़ लो इनको निपटा दो. तो हमने 2 और निपटाए, वो इनको भी निपटाया, सौरभ निपट गए. तो सौरभ निपट गए, प्रणय का काम हो गया, हमको 1 करोड़ मिल गया, मुझे क्या प्रॉब्लम. तो ये इशू होता है. दूसरा ये कि जब किसको टारगेट बनाया जाए तो ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा ना कि इंस्पेक्टर साहब और एसपी साहब ये डिसाइड करें कि भाई ये ही डज नॉट डिजर्व टू लिव,
तो इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप, मतलब इसमें कहाँ, इस दलदल में एक बार फंसेंगे तो फंसते ही जाएंगे, और उसको जस्टिफाई तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, शायद एक्सप्लेन कर ले जाऊं कि साहब इस वजह से हुआ, लेकिन जस्टिफाई तो करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं कि इसको इनकरेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जी यहाँ तक देख लीजिए कि पंजाब में जो जो जब उस जमाने जब वहाँ पर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी, खालिस्तानी के साथ हो रहा था, फिर पुलिस एक्शन हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, अल्टीमेटली क्या हुआ, उस टाइम में तो बहुत वाहवाही हुई, बाद में उसी सिस्टम ने उन अधिकारियों को अबैंडन कर दिया, ए नंबर ऑफ देम आर नाउ इन जेल फॉर हैविंग कमिटेड दोज क्राइम्स स्लैश मर्डर। They did not do it for their own benefit. They did it for the system. But at some stage, the system could not handle the pressure and succumbed. And those guys are in jail now. I know quite a few officers who spent their lives in jail. And whom did they kill? They killed the so-called Khalistanis. And why did they kill? Because they were doing it for the country. So that's how it is. So ये इसको सपोर्ट करना तो मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये मुझे ऐसा लग रहा था एक अपेक्षाओं की गरीबी का नतीजा है, जिस तरीके से हम लोग पॉलिटिकल स्पेस में भी देखते हैं ना, हम लोग की जो राज्य है बेसिक पब्लिक सर्विसेज तो नहीं दे पाता, तो हम लोग इसी बात से खुश हो जाते हैं कि कुछ ये रिलीजियस चीज़ कर दी या ये कर दिया, और लोग उससे खुश होते हैं। उसी तरह के से शायद पुलिसिंग सेक्टर में भी लोग लॉ का जो सप्लाई चेन है वो फॉलो करने की बजाय अपेक्षाएं बस ये हो गई है कि कुछ इसके साथ हो जाए, ये ना हो कि प्रोसेस हो जाए। तो ये शायद व्यापक है, पुलिस में ही नहीं है, हमारे पूरे राज्य और राष्ट्र का ये प्रॉब्लम है कि अपेक्षाओं की गरीबी हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं, उससे एक अच्छा पहलू जो मुझे लगा है इन सब में कि मैं अक्सर सोचता हूँ ये जो बंदूक नियंत्रण कानून है या फिर हम लोग कह सकते हैं गन कंट्रोल लॉज जो है, तो मेरा ये मतलब बाहर से ऐसा लगता है कि भारत में जनरली ये सक्सेसफुल रहे हैं। मतलब इतना गन्स हम लोग जहाँ देखते हैं कि कभी भी अगर आप लाइसेंसिंग या ऐसा सिस्टम ले आए तो चीज़ें अंडरग्राउंड चली जाती हैं और काफ़ी लोगों के पास वो हथियार मिल ही जाते हैं। सिर्फ बंदूक की बात नहीं करें, कुछ भी चीज़ों पे आप अगर लाइसेंसिंग लगाए तो वो स्प्रेड हो जाती है अंडरग्राउंड में। लेकिन गन कंट्रोल लॉस क्या आप कहेंगे भारत में मोर और लेस ठीक ठाक रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ठीक ठाक रहा है, हम लोग कम इतनी ज़्यादा गन की तादाद तो नहीं है ऐसा लगता है बाहर से। तो अगर ये सही है तो क्यों इस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है, और अगर ये गलत है तो क्या चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं? नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में लगभग हर प्रदेश में, क्योंकि गन का लाइसेंस स्टेट लेवल पर ही दिया जाता है, सेंट्रल का नहीं होता है, तो हर प्रदेश में गन के लिए लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है, और गन को रखने के लिए, गन को खरीद करके अपने पास रखने के लिए जो शर्तें लगाई गई हैं वो ऐसी हैं कि अधिकतर लोग उसको, उन शर्तों को मीट नहीं कर पाते हैं, और एक मानसिकता प्रशासन में ये है कि गन का लाइसेंस नहीं देना है, यथासंभव नहीं देना है, किसी न किसी बहाने उसको टालते रहना है, अनलेस कि कोई ऐसी वजह हो। तो उसमें ये है कि देखिए, इन सब चीज़ों में भी जो हिंदुस्तान की हायरार्किकल सिस्टम है उन सब का दखल हो जाता है, तो जो पुलिसिंग है या गवर्नेंस है वो जो है वो वैक्यूम में तो काम नहीं करती है। उसमें भी अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो उसमें भी सोशल जस्टिस का इशू आपको सीधे मिल जाएगा कि किनको गन का लाइसेंस दिया गया और किनको नहीं दिया गया। तो वो ऐसे लोग जो असरदार हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है, जो एसपी साहब या डीएम साहब के यहाँ पार्टियों में आते जाते हैं, या जिनके यहाँ टेनिस साथ खेल लेते हैं या पिकनिक पर साथ चले जाते हैं, उनके घर वालों को लाइसेंस मिलने की संभावना दूसरों के अपेक्षाकृत 1,000 गुना ज्यादा है, या वो उनका राजनीतिक कोई प्रभाव है, तो चांसेस ये हैं कि उनको ये सब मिल मिला जाए। और जिसके पास, जिसको ज़रूरत है, जो जंगल के बिल्कुल बीच में रहता है अपने गांव में, और उसको ज़रूरत है, संभावना ये है कि अगर उसका कोई आगे पीछे नहीं हो तो उसको नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी कोशिश करे।
ये सब रियलिटीज हैं। तो दिस इज द पॉलिटिकल रियलिटी, सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ इंडिया एंड द लिमिटेशंस ऑफ गवर्नेंस ऑफ दिस। तो प्रणय, मतलब मैं बाकी स्टेट का तो नहीं जानता, एटलीस्ट यूपी में मतलब कुछ जाति से आप हैं तो आपको जल्दी उन मिल जाएंगी और बाकियों में कम मिलेंगी, क्योंकि आप जाके बोलेंगे हक से कि हमारे पास होनी चाहिए बंदूक और बाकियों को नहीं मिलेगी। तो हिंदुस्तान में इसलिए भी कम गन्स हैं क्योंकि उन जातियों के लोग कम हैं। क्यों जावेद जी, ठीक कहा मैंने? मैंने कहा सोशल जस्टिस से रिलेटेड बात हाँ, तो नहीं ये जैसे सब रियल। मैं, हम लोग यहाँ पर कर्नाटका में हम लोग ट्राई कर रहे थे कि किस क्या प्रोसीजर होता है जानने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ की पुलिस का एक ट्रेनिंग होता है 1 वीक का, तो वो ट्रेनिंग में गए थे। उसके 7वें दिन वो एक्चुअली आपको एक गन देते हैं जस्ट टू ट्राई ऑन अ टारगेट। और फिर उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है ऑब्वियसली, गन खरीदने का ही और फिर लाइसेंस मिलने का, तो उससे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, फिर भी ऐसा नहीं हुआ है कि गन्स बहुत ही फ्रीली मिल रही हैं। जनरली शायद ये भी है कि गन इम्पोर्टेड होती है ज़्यादातर, तो वो टाइप के कंट्रोल की वजह से अमेरिका में जैसा प्रॉब्लम है वैसा नहीं हुआ है। तो वो मुझे लगता है एक थोड़ा सा सक्सेस फैक्टर है, ऐसा मुझे लगता है यहाँ बाहर से। तो पता नहीं आपको क्या लगता है? नहीं, सक्सेस है इन द सेंस के सरकार की जो मंशा थी कि कम लोगों को लाइसेंस दिया जाए, वहां तक तो सक्सेस है। लेकिन वो मंशा क्यों थी, उसकी और किन लोगों को दिया गया और कौन लोग नहीं ले पाए, वो उससे फिर अलग अलग पहलू खुल जाते हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह है उसका कि किसी यूपी के या बिहार के किसी गांव में अगर 3 लाइसेंस वेपन्स हैं तो 25-30 अनलाइसेंस वेपन्स भी हैं। तो वो वेपन्स जिसको कट्टा या तमंचा यहाँ कहा जाता है, वो लोग रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी इज्जत की सुरक्षा के लिए, अपने घर द्वार की सुरक्षा के लिए, या खेत पे रखवाली करते हैं। उस दौरान उनको थोड़ा सा हौसला बनता है कि हमारे पास कुछ कोई हथियार है। तो ये भी एक पैरेलली सच्चाई है। और जो अनलाइसेंस्ड कंट्री मेड वेपन्स होते हैं, उनकी संख्या लाइसेंस वेपन्स के तुलना में कई 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 गुना ज़्यादा होगी। अच्छा, तो ये है, इसमें भी वही हो रहा है, अगर अनलाइसेंस चीज़ें बढ़ रही हैं। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जब कह रहे थे क्वांटिटी के बारे में कि एक पुलिस अफसर को इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही है और उनसे बहुत ही ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, तो उसमें मैं सोच रहा था कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल देखते हैं आप? तो कुछ चीज़ें हैं क्या इन सब सिस्टम में जो कि आसानी से आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ये जो गैप है उससे अब उसकी भरपाई कर सकते हैं? तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का और अडॉप्शन ज़रूरी है और उससे बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट फ़ायदा भी हो सकता है? नहीं, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी काफ़ी हुआ है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 15 साल या 20 साल में पुलिस की जो क्षमता है इन ट्रेसिंग कॉल्स, ट्रेसिंग इंडिविजुअल्स हु आर ऑन द रन, इस तरह की जो क्षमताएं हैं उसमें काफ़ी काफ़ी वृद्धि हुई है। ट्रैकिंग ऑफ पीपल, उसमें बहुत मतलब काफ़ी एक्सपर्टीज हासिल कर लिया है लोगों ने। फिर पुलिस ने सबसे सबसे सक्सेसफुल मैं कहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स बनाए गए हैं, जो गाड़ियाँ पूरे इलाके में पूरे स्टेट में घूमती हैं बेचारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स। यूपी में मैंने ही उसको 2016 में लॉन्च किया था। वी हैव 3,320, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हीकल्स पेट्रोलिंग द होल ऑफ उत्तर प्रदेश एट एनी गिवन टाइम। करीब 3,300 गाड़ियां हैं जो कि 24 घंटे
यूपी में घूमती रहती हैं, और उन सब की रियल टाइम लोकेशन लखनऊ के कंट्रोल रूम में रहती है। आप कहीं यूपी में कहीं से भी आप फ़ोन कीजिए कि मुझे कोई डिस्ट्रेस है, तो वो नियरेस्ट गाड़ी को वो ट्रैक कर लेता है और ट्रैक करके उसको कहता है कि आप जाइए और जा करके उनके इशू को रिजॉल्व कीजिए, अटेंड कीजिए। तो यूपी जो यूपी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है, दे रिसीव अबाउट 30,000 कॉल्स अ डे एंड दे रिस्पॉन्ड टू ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ देम, बिकॉज वन वन थर्ड आर फेक और बिल्कुल रेपिटेटिव। ऑफकोर्स तो उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल्स, रियल टाइम असेसमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग इट इज टेकन टू रीच। और जब ये 2016 में ये लगाया गया था ये सिस्टम लखनऊ में, यू विल नॉट बिलीव इट, इट वाज मोर मॉडर्न देन इवन द न्यूयॉर्क पुलिस कंट्रोल रूम। एंड आई व्हेन आई शोड इट टू द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड कि यूपी में हो गया। हमने कहा साहब हो गया, इट्स देयर, यू कम एंड सी इट। ही कुडन्ट बिलीव दैट इट हैड बीन डन इन यूपी, बट इट्स इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, 22,000 करोड़। एंड वी हैव डिप्लॉयड ऑलमोस्ट 30,000 पुलिस फोर्स। अब ये धीरे धीरे हर स्टेट में ये हो गया है। तो ये एक पहलू है जिसमें के बहुत फायदा हुआ है टेक्नोलॉजी का। प्लस अब जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड ट्रेनिंग रोस्टर्स एंड देयर लीव एंड देयर इंक्रीमेंट एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ, रूटीन स्टफ, उसको अडॉप्ट कर किया गया है। फिर जो है क्राइम प्रिवेंशन में क्राइम मैपिंग, एविडेंस फॉर एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग है, कहाँ कहाँ पर अपराध हुआ है, क्या पैटर्न है, कब होता है, वो चीज़ें जो कि मैनुअली लोग करते थे और एक पर्टिकुलर ऑफिसर को मालूम रहता था, अगर वो कहीं ट्रांसफर होकर चला गया तो वो इंफॉर्मेशन चली गई। नाउ इट इज़ ऑल कैप्चर्ड इन सम सॉफ्टवेयर एंड इट इज यूज फॉर दैट। क्रिमिनल्स को ट्रैक करना, कौन क्रिमिनल है, फिर क्रिमिनल्स के नेटवर्क्स क्या क्या है, आई मीन द सेम क्रिमिनल कैन बी ऑपरेटिंग विद ABC इन बनारस, व्हेन ही गोज टू मेरठ ही हैज अनदर ग्रुप PQR इन एक्सपोजिंग दैट नेटवर्क, वो सब काम जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। रिक्रूटमेंट में बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कल ही यहाँ पर यूपी में 50,000 कॉन्स्टेबल्स की भर्ती का एग्जाम खत्म हुआ है, जिसमें 49 लाख स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। वाह दिस होल एक्सरसाइज वाज डन यूजिंग टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इंश्योर किया गया कि सब सेफ रहे, हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ था, ट्रैकिंग ऑफ ईच बंडल ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर पेपर थ्रू QR कोड्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड RFID एंड दिस एंड दैट। तो नॉट वेरी हाई टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी विच इज इजीली अवेलेबल दैट इज बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव सिस्टम्स, सभी स्टेट्स में हो रहा है। मैं समझ यूपी के बारे में चुके मैं मुझे ज्यादा मालूम नहीं पड़ता। आजकल ये साइबर फ्रॉड्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, और आप उसके बारे में थोड़ा सा इसके पहले ही बता रहे थे कि बैंकिंग फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन सबको ट्रैकिंग करने में शायद टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता होगा। तो उस केस में आपको कैसा लगता है कि क्या पुलिस इस को करने में सक्षम हो पा रही, क्योंकि जितना भी हम सुन रहे हैं तो लोग अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स, फिशिंग और बैंकिंग रिलेटेड OTP से लेके पता नहीं अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स हुए जा यूपीआई रहे हैं। फ्रॉड। हाँ हाँ, तो कैसे, मतलब इसका क्या अभी कुछ इलाज मिला है पुलिस में कि अब वो हो रहा है काम? साइबर क्राइम का वॉल्यूम जो है वो ह्यूज है, और जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है तो ये बढ़ता ही जा रहा है। और जो लोग नेट बैंकिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनकी लापरवाही और उनकी ग्रीड, उनकी लालच,
इन दोनों को का फायदा उठा करके साइबर क्रिमिनल्स उनको ठगते हैं या उनको डिफ्रॉड करते हैं, ये लगातार हो रहा है। तो अब यह है कि उसका वॉल्यूम चूंकि इतना है कि पुलिस ने अपनी कैपेबिलिटी बनाई है, कैपेसिटी भी बनाई है, लेकिन जितना वॉल्यूम है उसको मीट आउट करने में थोड़ा सा वो पीछे है, बिहाइंड द कर्व। लेकिन कैपेसिटी में कमी है, कैपेबिलिटी में उतनी कमी नहीं है। तो कुछ एक क्राइम जो कि इंडिविजुअल के ना हो करके इंडिविजुअल के ना हो करके ये हो कि एक गैंग है जो कि बहुत लोगों को कर रहा है डिफ्रॉड, उन उन जो गैंग्स हैं उन पर कार्रवाई पुलिस की जो साइबर टीम्स है, साइबर क्राइम टीम्स, वो करती हैं, कामयाब भी होती हैं। लेकिन चूंकि उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसलिए इंडिविजुअल केसेस कभी कभी छूट जाते हैं। दैट हैज़ टू बी। तो जावेद जी, ये टेक एस्पेक्ट से रिलेटेड मेरा एक और सवाल था कि जैसे कि आप कह रहे थे एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है, और अभी हम लोग देखते हैं कि सब पुलिस ऑफिसर्स अब जैसे ट्विटर वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं, क्योंकि शायद जब कुछ हलचल होती है या कुछ चीज़ें होती है तो एक क्रेडिबल प्रेजेंस रखना ज़रूरी है कि लोगों को बता पाएगी ये चीज़ हुई है और इस हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो शायद ये सिग्नलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। तो आप किस तरीके से देखते हैं सोशल मीडिया का रोल पुलिसिंग में मदद करने के लिए? सोशल मीडिया का रोल तो बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो जब पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर आ गई है तो पुलिस जो है वो उससे अपने आप को अलग नहीं रख सकती है। तो सोशल मीडिया हमारे एफर्ट्स को लोगों तक पहुंचाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, र्यूमर्स को स्कॉच करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लोगों की मदद करने में इट कैन बी अ ग्रेट ग्रेट हेल्प, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मैं आपको वन सेकेंड एक एग्जाम्पल देता हूँ। यूपी पुलिस वॉज द फर्स्ट टू गेट ऑन टू ट्विटर इन 2016। अच्छा हुआ ये विद इन 3 या 4 दिन हुए थे या 5 दिन हुआ होगा मैक्सिमम। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों और इंस्टेंसेस होंगे। एक साहब ने ट्वीट किया फ्रॉम सिंगापुर के एक इलाका है बहुत इंटीरियर सोनभद्र, कि वहाँ पर मेरी माँ रहती है फलाने एड्रेस पर, उसको कुछ कुछ लोग तंग कर रहे हैं और यू नो शी इज इन डिस्ट्रेस। वो नया नया था, ट्विटर का जमाना, तो इट्स वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड। तो वो हमारे ऑफिसर जो नोडल ऑफिसर था उस तक वो बात पहुंची, उसने सोनभद्र में बात किया, सोनभद्र वालों ने उस महिला को कॉन्टेक्ट किया, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एंड वी ट्वीटेड बैक ऑल इन ऑल 42 मिनट्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ द फर्स्ट ट्वीट that your problem has been resolved. So that gentleman in Singapore couldn't believe that in 42 minutes his problem has been solved sitting in Singapore. तो इसकी रीच इतनी है और स्पीड इतनी है कि उसकी पॉसिबिलिटीज तो अनगिनत हैं। लेकिन उसके जो नेगेटिव पहलू हैं, उसके जो खतरनाक पहलू हैं, उन सब से आप वाकिफ हैं। उसके बारे में तो अलग से ही चर्चा होगी कि कितना ज्यादा उससे डैमेज और कितना जल्दी और कितना विस्तृत डैमेज भी उससे हो सकता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सोशल अनरेस्ट। बिल्कुल। और मतलब जैसे कहते हैं हम लोगों का स्टेट हायरार्किकल है, लेकिन सोसाइटी तो एकदम नेटवर्क्ड हो गई है, तो उसमें बहुत ही व्यापक तौर से कुछ भी गलत खबर, कुछ भी इस तरीके की खबर बहुत जल्दी फैल सकती है। तो क्या पुलिस भी सोच रही है कि इस नेटवर्क का हिस्सा एक्टिवली बना जाए, कि मतलब इस तरीके से होता है क्या कि कोई सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम होती होगी जो, या फिर एक्टिवली इतना सब कुछ पुलिस इंस्पेक्टर कर रहे हैं उसमें फिर सोशल मीडिया पे चीज़ देखने का टाइम कहाँ से उन्हें मिल रहा है? तो किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ किया जा रहा है स्ट्रक्चरली? स्ट्रक्चरली ये है कि इंस्पेक्टर साहब, हर इंस्पेक्टर सोशल मीडिया पर है और एवरी मिनट ऑफ द डे इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन टच। तो उनके जो 1,000 काम है उनमें एक हजार एकवा काम ये भी है कि अच्छा फेसबुक और ट्विटर को लगातार मॉनिटर करो, अच्छा एंड नॉट ओनली फेसबुक एंड ट्विटर एंड ट्विटर बट ऑल्सो यूट्यूब। अच्छा
उसको लगातार मॉनिटर करते हैं। हर इंस्पेक्टर अपने साथ फोन पर जब कहीं जा रहा है तो चेक करता रहता है क्या है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सोशल मीडिया सेल होता है, हर ऑफिसर के लेवल पर, हर हायरार्की में एक सोशल मीडिया सेल होता है जो कि 24/7 बिल्कुल ऑन द बटन रहता है टू मॉनिटर एनीथिंग दैट कम्स ऑन सोशल मीडिया, वेदर इट रिलेट्स टू अपराध से रिलेटेड हो या शांति व्यवस्था से रिलेटेड हो या और कोई चीज़ हो। क्योंकि एज आई सेड के अगर बिजली चली गई, ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया और 2 दिन से वहाँ बिजली नहीं आ रही है, तो अल्टीमेटली तो पुलिस को ही जाना पड़ेगा ना। इंजीनियर साहब तो छुट्टी चले गए, उनकी बेटी की शादी है, लेकिन पुलिस को तो वहाँ मौजूद है क्योंकि वहाँ पत्थर तो पुलिस को ही काटना है। तो पुलिस हैज टू बी देयर टू इन्फॉर्म द इंस्पेक्टर, दे बिजली इंजीनियर साहब के साथ, आपका ट्रांसफार्मर 2 दिन से खराब है और लोग पत्थर चला रहे हैं, उनको नहीं पता चलेगा बिकॉज ही वर्क्स इन एट अ टोटली डिफरेंट पेस। उनके लिए संडे भी है, मंडे भी है, थर्सडे भी है, सैटरडे भी है, जन्माष्टमी भी है, होली भी है। अब यहाँ तो भाई होली के दिन तो ज्यादा काम है, दशहरे के दिन ज्यादा काम है। ये सही बात बोली आप। तो मतलब अंत में हम ये समझने की कोशिश करते हैं, आपने जैसे बहुत ही शानदार तरीके से समझा है क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें पुलिस ऑपरेट कर रही है। तो ये जो क्वांटिटी का भी प्रॉब्लम है, शायद क्वालिटी का भी प्रॉब्लम है, और तो इसको रिफॉर्म करने के लिए कई सारी कमिटियां आई हैं। एक प्रकाश सिंह केस नाम से भी काफी लोग परिचित होंगे, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस भी हैं, पर कहाँ से शुरुआत करें इसको अगर ठीक करना है। अब तो शायद सॉल्यूशन भी है, जो प्रकाश सिंह केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स भी दिए हैं क्या ठीक करना है, लेकिन कहीं हो नहीं पा रहा है ये शायद। तो ये इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाए? एक शब्द है नियत, इंटेंट, दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स एंड दैट इज वेयर इट बिगिंस एंड्स। जिस दिन नियत हो जाएगी वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, वो सब रिफॉर्म जिसके बारे में बात होती है वो सब होने लगेगी। खास बात पुलिस रिफॉर्म्स की ये है प्रणय और सौरभ और ख्याति, कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सबसे ज्यादा हल्ला पुलिस वाले ही करते हैं, पब्लिक नहीं करती है। जबकि पब्लिक भी नहीं होना और चाहिए, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स भी नहीं। तो नहीं करते हैं लेकिन पब्लिक नहीं करती है। पब्लिक अगर करेगी तो पॉलिटिशियन को तो करना ही पड़ेगा। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये समझा जाता है कि पुलिस से भाई कोई लेना देना मत रखो, ये एक परसेप्शन है कि पुलिस से लेना देना मत रखो। तो मैं वापस जाऊंगा जो ख्याति ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा था कि लाइफ, लिबर्टी और पावर्टी और प्रॉपर्टी जो है उसकी सुरक्षा पुलिस करे। इसमें मैं ऑनर को भी ऐड कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें इन सब चीज़ की गारंटी जो है वो कोर्ट्स है कि आप कुछ हो तो आप जाइए रिट फाइल कर दीजिए और जो है आपकी वो प्रॉपर्टी और ऑनर और सारी बातें, लाइफ एंड लिबर्टी, वो तो गारंटी है। प्रोटेक्शन कौन करेगा डे टू डे बेसिस पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बेंगलोर में या जो है बनारस में या जो है कहीं और नहीं करेंगे। प्रोटेक्ट इन सब राइट्स को, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम पुलिस का है। ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि एक एफिशिएंट पुलिस, एक प्रोफेशनल पुलिस, एक फेयर पुलिस हर इंसान के वेलबीइंग के लिए इसेंशियल है। उसके बिना आप अपनी गाड़ी गैराज में लगा करके सो नहीं सकते, आपकी बेटी पढ़ने के लिए जाए और वापस शांति से आ जाए, सेफली आ जाए, वो नहीं इंश्योर कर सकते। रास्ते में आप जा रहे हैं, जाम लग जाए तो जाम से कैसे छुटकारा पाए ताकि आप दफ्तर या एयरपोर्ट सही समय पर पड़ जाए, वो नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ जो है, जो जिंदगी के हर रोज आप डील करते हैं, उसको डे टू डे बेसिस पर प्रोटेक्ट करने का काम पुलिस का है। अगर पुलिस अपने काम को बेहतर तरीके से करेगी तो इन सब चीज़ों को आप लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है भी, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, लेकिन आप नोटिस नहीं करते।
लेकिन जिस दिन ऑक्सीजन कम हो जाता है तो आप सांस के लिए यू नो गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। तो हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि पुलिस का इम्प्रूव करना, उसकी परफॉर्मेंस और सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी में सुधार लाना, उनकी खुद की जिंदगी में सुधार लाने के लिए अति आवश्यक है, उसके बिना वो संभव नहीं है। और जब पब्लिक समझने लगेगी तो वो नेता को समझा देंगे, और जब नेता को समझ में आ जाएगा तो वो चीज़ जो कि 75 साल से नहीं हुई है वो उसके प्रायोरिटी आइटम में आ जाएगी। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। सही बात। इस बात को मैं लिख भी चुका हूं कई अपने अपने राइटिंग्स में, और कह भी चुका हूं अलग अलग फोरम्स में, कि जब तक नेता को ये समझ नहीं आएगा कि पुलिसिंग इज अ पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल, इट्स अ पब्लिक गुड एंड द पब्लिक वांट्स इट, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें सुधार आएगा। प्रकाश सिंह कमेटी और ये कमेटी वो कमेटी सब अपनी जगह पे है, अंग्रेजी बोलिए जाइए घर। ये तो तय है कि जब तक एक पब्लिक आउटक्राई नहीं होगा, और पब्लिक आउटक्राई तब होगा जब लोगों को समझ में आएगा कि क्यों उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए पुलिस रिफॉर्म को समय। बेहतर पुलिस विल बी ए बेटर लाइफ फॉर देम, ये इक्वेशन अगर समझ में आएगा फॉर देम, फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर देयर व्हाटएवर, तो वो इक्वेशन जब समझ में आएगा तो डिमांड होगी, जब डिमांड होगी तो नेता को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। सही बात बिल्कुल है। हाँ। तो ये मतलब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, बस एक सामाजिक इशू भी है कि किस तरीके से हमें एक स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग चाहिए। तो हाँ, इसमें समाज का भी बहुत बड़ा शायद अग्रणी रोल है, ना कि पॉलिटिक्स का। जैसा कि आपने कहा, लोकतंत्र है, तो अगर हम लोग मांग करेंगे तो शायद पॉलिटिशियंस भी वो हमें दे देंगे चीज़। तो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अब इन सब चीज़ों पर बातें हो रही है, जैसे अब जस्टिस रिपोर्ट आने लगी है कुछ 2-3 सालों से, तो सब इंडिकेटर्स, अब डेटा बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों में रिफॉर्म लाने के लिए। तो अब डेटा हर साल लोग रख रहे हैं, ये भी एक फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हो रहा है। तो ये भी एक पहल है जिसकी वजह से ये जागरूकता बढ़ेगी लोगों में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तक्षशिला ने अभी एक लॉ एनफोर्समेंट फेलोशिप शुरू की है जावेद जी की मदद से, और उसमें भी यही प्रयास है कि लोग रिसर्च करें और इन सब विषयों पर नए नए सॉल्यूशंस के बारे में सोचे। तो ये भी एक पहल है जिससे कि हम लोग इस प्रॉब्लम को बेहतर समझ सके और जागरूकता भी बढ़ा सके। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो पुलिस चौकी एक सीरीज थी ऑल थिंग्स पॉलिसी की, हम लोग लिंक करेंगे उस पे, जावेद जी ने कई विषयों पर बताया है पुलिस की करंट स्टेटस के बारे में और किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में भी। तो वो भी हम लिंक करेंगे, आप लोग ज़रूर सुनिए। और बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी पुलियाबाजी पर आने के लिए, और इतनी साधारण और इतने सिंपल तौर से समझाने के लिए पुलिस के कंस्ट्रेंट्स भी और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उसकी ओर भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमें तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। नहीं, बहुत मज़ा आया। थैंक यू ख्याति और सौरभ और प्रणय, कि आपने इस विषय पर पुलियाबाजी का ये कार्यक्रम रखा, शायद लोगों को पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।